फाइनली हम लोग ने अपनी गाड़ी वहाँ से निकाल दिया, जिसको हम लोग ने बोला था जो ट्रैक्टर आएगा ट्रैक्टर वाला फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं किधर गया, अभी तक आया नहीं। अगर उसके भरोसे रहते ना तो सच में हम लोग निकल नहीं पाते उधर से, और अभी तक वहीं पे रहते हैं। आज अपना हैंडल बेंड हो गया, देखो हैंडल बेंड हो गया, फिर अपना इंडिकेटर, देखो इंडिकेटर गार्ड, फिर ये अपना शूज जैकेट का। तो भाई अपना मंदिर ना वो उधर है, और अपन को रास्ता ऐसा ऐसा जाना है, बहुत चिक्कल वाला रास्ता है, तो एकदम आराम से निकलना है अपन को। दिख रहा है बारिश गिरने की वजह से ना पूरा चिक्कल हो गया, और गाड़ी जा नहीं रही, फुल स्लिप खा रहा है, और पूरा ग्रिप फट गया है। कैसे कैसे तो निकल रहे हम लोग, धीरे धीरे चलो। अगर ग्रास के ऊपर चलाएंगे तो पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं, मुश्किल है। बारिश की वजह से पूरा चिक्कल हो गया, थोड़ा भी ग्रिप नहीं है। इधर क्या है, बावड़ी, ऐसा बीच बीच में खड्डा भी है तो आराम से। ऐसे घास का रास्ता बनाया इसने, उधर कहाँ जा रहा है, उधर है रास्ता है क्या, उधर से उधर है क्या रास्ता जाने को, इधर से गए ना, इधर से चलना, उधर से मत जा, इधर से चल। अगर क्या हो गया,
भाई सच में हाथ दुखने लग गया है और अभी भी उधर तक जाना है। धीरे धीरे आ। क्रास में अगर लेके जाऊंगा ना तो ही पहुंचूंगा, नहीं तो डाइसी है भाई, पहुंच नहीं पाएंगे, इतना चिपकल है। एक्चुअली बारिश की वजह से प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो पूरा गाड़ी आराम से जाता था, 4 फीटर तक जाता था आराम से। फिर रुक जा। नहीं अजून चिकल आहे का खूप? ऐसा बाजू बाजू में जाणार ना? चलो एक बार गिर चुके गाडी। भाई गाड़ी तो बिल्कुल जाने लायक नहीं है, देखो इतना गंदा हो गया है, दिख रहा है? और अपन को पहुंचना है वो मंदिर की तरफ, इधर से जाने लायक नहीं है। घास पे से चल, घास पे से निकल। ये डबल पे कैसा लगेगा? लग गया भाई। महादेव आज बहुत परीक्षा ले रहे, विंचेटर सब जला दिया, हो रहा सामने मंदिर। भाई कैसे भी पहुंच जाए यार, आज महादेव ने बहुत परीक्षा लिया है। Oh shit! रुक जा, मत लगा। Oh shit! So, भाई आज अपन देखो गाड़ी का हालत और ये मंदिर, बहुत परीक्षा लिया, हैंडल बेंड हो गया,
ये इंडिकेटर बाहर हो गया, फिर गार्ड बैंड हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो गया। ठीक है चलो देखते हैं। व्रिस्ट पे लग गया, देखो व्रिस्ट पे स्वेलिंग आ गया है, हैंड पे देखो। चलो फटाफट मंदिर में दर्शन लेते फिर निकलते। चलो यार। सो भाई जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया और जो मेरे पीछे आप देख भी रहे हो, तो ये पालस देव मंदिर जो शिव मंदिर है, तो ये बहुत पुराना है। इसका ना एक्चुअली किसी को हिस्ट्री भी नहीं मालूम है। तो अभी ये मंदिर यहाँ पे लोग इसको देखने को आते हैं, लेकिन इसके अंदर शिवलिंग नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि पूजा पाठ करने को नहीं होता है, तो इन लोगों ने यहाँ से शिवलिंग हटा के अपने गांव में शिफ्ट किया है, तो वहाँ पे रेगुलर पूजा पाठ ध्यान दे सकते हैं। बट ये अभी कैसा पानी में जाने की वजह से यहाँ पे इसका कंटिन्यू पूजा नहीं हो पाता था, इसके लिए शिवलिंग यहाँ पे शिफ्ट किया। लेकिन इसका वहाँ पे एक बैनर लगाया था, जो बैनर मैंने पूरा पढ़ा, लेकिन इसमें और कुछ स्टोरी नहीं पता चला, किसने क्या बनाया कुछ पता नहीं है। तो गाँव वाले से मतलब पूछने का और इन्फॉर्मेशन निकालने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आज भाई जितना एडवेंचर हुआ ना आज, महादेव ने सच में बहुत परीक्षा लिया है। बाइक लेके आते वो हैंडल टूट गया, हैंडल बैंड हुआ, लाइट बैंड हो गया, और फिर हाथ पे चोट लग गया, हाथ पे स्वेलिंग हो गया, देखो देखो हाथ पे स्वेलिंग हो गया, जैकेट जल गया, ये देखो जैकेट देखो। तो आज काफ़ी नुकसान हुआ है, तो अभी जाते वक्त वो रिक्स नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे को वापस घर पे जाना है थाने तक। तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैक्टर में बात किया और उनको कुछ सेटलमेंट करके हम लोगों ने उनको बोला कि भाई शिफ्ट करा दो वहाँ तक, और जो भी है ले लो। तो वो आने वाले हाफ एन आवर लगेगा उनको आने के लिए, मे बी उसके पहले बारिश वगैरह ना आए ना तो और प्रॉब्लम हो जाएगा भाई सच में। वही है, ये मंदिर का स्टोरी निकालने का ट्राई कर रहा हूँ, मिल जाएगा तो अच्छा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, नहीं तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इसका कोई स्टोरी नहीं है। बट आप जो नीचे का कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ना, ब्लॉक्स जो स्टोन का ब्लॉक होता है ना, वो उसका ये टेंपल बना है, जहाँ पे इसमें कुछ भी क्रैक नहीं, कुछ भी थोड़ा भी ख़राब नहीं हुआ। लेकिन उसके ऊपर जो देख रहे हो ना, वो ईंटे का बोलते हैं ना, ईंटे का बनाया हुआ है, ब्रिक्स का, जिसमें वो ख़राब होता है तो कैसे हो जाता है, तो उस तरीके से ये हो गया है। लेकिन नीचे का आप देख रहे हो सब प्रॉपर वैसे का वैसे ही है। शिवलिंग शिफ्ट हो गया गाँव में, लेकिन लोग मंदिर को देखने को आते हैं, क्योंकि ओल्ड हेरिटेज है, उसको पानी भर जाता है जब भी, तो यहाँ से कुछ भी विजिबल नहीं होता है, इसके लिए यही टाइम है देखने का। और गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में बिल्कुल मत आना, ठंडी के मौसम में बिल्कुल मत आना। स्पॉट अच्छा है नो डाउट, लेकिन बारिश हो गया तो वाट लग गया ना, नहीं तो डायरेक्ट गाड़ी आया था बिना कुछ प्रॉब्लम का। भाई फाइनली हम लोग ने अपनी गाड़ी वहाँ से निकाल दिया, जिसको हम लोग ने बोला था जो ट्रैक्टर आएगा, ट्रैक्टर वाला फ़ोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं किधर गया, अभी तक आया नहीं। अगर उसके भरोसे रहते ना तो सच में हम लोग निकल नहीं पाते उधर से, और अभी तक वहीं पे रहते हैं। तो ये जो गांव वाले लोग बंदे हैं ना, इन लोगों ने हम लोग का बहुत हेल्प किया सीरियसली, इन लोग को ही फॉलो करते करते आए। तो इन लोग को फॉलो करके आए ना, तो दूसरे वे से आए जहाँ पर एक बार भी गाड़ी ऐसा अपना जाम नहीं हुआ और कहीं अटका नहीं, सीरियसली सब अच्छे से आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या, सब चिक्कल जो है ना वो मडगार्ड में बैठ गया है, जिससे तो पूरा जाम हो गया, निकल नहीं रहे। तो अभी निकल के एक एक गाड़ी हम लोग निकाल रहे, सब गांव वालों ने इतना हेल्प किया ना, उनको बहुत बड़ा थैंक यू। तुमका नाव क्या है? नाम बता देना। नाम बता दे रहा, नाम संकेत। संकेत आदर्श। आदर्श तिरोजन ने बहुत हेल्प किया, दिख रहा है अभी भी इन लोग ही निकाल रहे हैं, हम लोग सिर्फ बैठे साव करके।
आज के जितना एडवेंचर अभी तक नहीं किया लाइफ में, सच में बहुत कुछ डैमेज हो गया है, बट ठीक है, ये एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, होते रहता है। आज अपना हैंडल बेंड हो गया, हैंडल बेंड हो गया, फिर अपना इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर गार्ड, फिर ये अपना शूज जैकेट का, ठीक है कल जाके देखते हैं सर्विस सेंटर में क्या बोलते हैं, दो तीन चीज चेंज करवाना ही पड़ेगा, देखते कैसे करते हैं। अभी फिलहाल पहला प्रायोरिटी घर पे पहुंचना, हाथ भी पे भी लग गए, हाथ देखो कैसे स्वेल हो गए, देखो मेरे ख्याल से कुछ खर्चा आएगा।